मन्नू मन्नू भाई विशाखापट्टनम आना है आज। हाँ भाई संडे को चलते भाई। नहीं भाई आज जाना है भाई, अभी वीडियो देख रहे थे। हाँ आज जाना है, आज चल तब चलो। रोहित विशाखापट्टनम जाना है भाई। हेलो गाइस दिस इज प्रशांत, यू आर वाचिंग रोड एंड व्हील्स। तो अभी हम शेड्यूल टाइम से अपने 40 मिनट लेट हैं, और कोई शेड्यूल टाइम तो नहीं, लेकिन फिलहाल हमें सोचे थे कि 4 बजे निकलेंगे, लेकिन अभी 4:40 हो रहा है। चाय पीना बाकी है, तो अप्रॉक्स हम चाय पीने पी के 5 बजे के अप्रॉक्स निकलेंगे यहाँ से। 20 मिनट मैं और लेके चलता हूँ, लगेज सारा सेट हो गया है, रोड पे मिलते हैं फिर बात करते हैं आपसे। सो राइड के स्टार्टिंग चाय से, और चाय पीने के साथ ही एनर्जी भी आ गई। और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ मेरा और ये मन्नू भाई का प्लान था, रोहित साथ में था, लेकिन एक और बंदे से मिलवाते हैं, शिवांशु अग्रवाल। ये जो है अभी मेरे साथ मेरा पिलियन है। तो अभी 4:56 हो रहा है, मतलब कि लगभग 5, और हम हैं अभी एक्सपेक्टेड टाइम से पूरे 1 घंटे लेट चलता है। और चल मन्नू, जय श्री गणेश। और अभी 5 बज रहा है, तो पूरा सही से सूर्य को आने में भी टाइम है थोड़ा, तो सबसे पहले वेट करते हैं लाइट आने का, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो फिलहाल 5:57, और थोड़ा थोड़ा लाइट आ चुका है रोड पे। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब अभी हम इधर से गुजर रहे हैं तो यार बिल्कुल अपने घर वाली याद आ रही है। ये सब जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे गन्ना का खेत है और साइड में गन्ना ही रखा हुआ है। तो क्या बोलता सिवान, और जो व्यू है यार, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ की व्यू, मतलब दोनों तरफ लिटरली, मतलब ये तो ईस्टर्न घाट्स के बीच से ही हम लोग जा ही रहे हैं, तो पहाड़ तो होना बनता था। और आप देख सकते हो नदी साथ में मेरे, नदी के बाद पहाड़, मतलब जो बचपन में एक ड्राइंग बनाते थे ना, नदी होता था पहाड़ होता था, वो एक पूरा लैंडस्केप यहाँ से मैच कर रहा है। ये बहुत ही रैंडम सा प्लान था, मन किया उठ के चल दिए, और अभी फिलहाल बीच रोड पे चाय पी रहे हैं। तो ये 5 मिनट का ब्रेक था, चाय ब्रेक, थोड़ा सा नाश्ता भी, तो 5 मिनट का नहीं था, 10-15 मिनट 20 मिनट का होगा लगभग। चाय नाश्ता हो गया, पूरे 105.5 किलोमीटर के बाद 4 लेन, ये वही रोड है चेन्नई कोलकाता एक्सप्रेसवे। और अब काफ़ी देर के बाद अच्छा रोड मिला है, और यहाँ से विशाखापट्टनम 99 किलोमीटर है अप्रॉक्स 100। तो ठीक है, रोड पे चलते हैं, रोड का एंजॉय लेते हैं, और क्या। और सूरज भी निकल चुका है, व्हाट एन अपडेट। और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो फिलहाल प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग होटल चेक तो ले लिए हैं, और होटल से निकले यहाँ से अभी ऋषिकोंडा बीच, थोड़ी बहुत मस्ती भी होगी वहाँ पे, क्योंकि यार बीच में नहाने का अलग ही मज़ा है।
और ऋषिकोंडा बीच को बाय बाय बोलते हुए अभी हम निकले हुए यहाँ से कैलाश गिरी की तरफ। आई थिंक ये देखते हैं, यहाँ से 10 या 20 मिनट लगेगा जाने में और क्या। तो अभी हम लोग कैलाश गिरी इंटर कर चुके हैं और इंटर करने का एक बाइक का चार्ज 20 रुपए। वाह, मतलब 20 रुपए देने के लिए वाह नहीं बोल रहा हूँ, मतलब व्यू देख के वाह बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओहो सीन सीन सीन। और इधर से केबल काट का भी व्यवस्था है, आप अगर गाड़ी से हैं तो गाड़ी से आइए, वरना ये केबल काट का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। यार टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स थे यार। तो गाड़ी इससे आगे जा नहीं सकती, तो फिलहाल अभी इधर है टाइटैनिक सी पॉइंट। मतलब इसका सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इसका सीन कुछ ऐसा है कि ये टाइटैनिक का पॉइंट जैसा बना हुआ है, तो आप टाइटैनिक वाले पोज में फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से व्यू तो दिखला ही सकते हैं। और देखिए क्या नज़ारा है यहाँ से, सी व्यू का जो असली व्यू है वो यहाँ से ही है यार। रोड भी जबरदस्त है यार मनु, यहाँ से अगर ड्रोन होता ना आज तो ड्रोन उड़ाने में मजा आ जाता है। तो काफी खूबसूरत सा था ये कैलाश गिरी। और तो अभी टाइम शाम के 5:45 हुआ है और अब हम जा रहे हैं फिर से आरके बीच, फिर से नहीं इस ट्रिप में पहली बार रोड वो वाला था बट गए नहीं थे, क्योंकि आरके बीच शाम के वक्त और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन जाने से पहले 2-3 कोड़िया लोग हैं जो कि उठ नहीं रहे हैं, 2-3 सिर्फ एक हम ही है जो कि हम रेडी हैं। यस इधर मन्नू, मैं भी रेडी हूँ। इधर मन्नू कोड़िया नंबर 1 मन्नू, कोड़िया नंबर 2 अभी उठ गया है थोड़ा देर पहले, इसको उठाएं तो बोलता नहीं जाओ सोचेंगे। ये कोड़िया आदमी भी जा रहा है, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम आ चुके हैं आरके बीच पे, और आरके बीच की ये आप लाइट की चकाचौंध से आप समझ सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा होगा। पता नहीं चलेगा लेकिन ना शायद से आप लोग भी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, तो पूरी खामोशी में ये आवाज़ आती है ना यार, लहरों की आवाज ही। और भाई साहब लाइफ में पहली बार मैंने एंकर देखा है। Ain't trying to link no time to waste.
price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the bolognese. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. तो अभी मैंने आप लोगों को दिखलाया सबमरीन कुरसूरा यार, जब उसके बीच से लिटरली जब जा रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, मतलब कि सिर्फ खड़ा होके देखने में थोड़ा डर लग रहा था। और जो यार इसके अंदर जाके और आज के भी सबमरीन्स में जो अंदर जाके यार इतना मेहनत से काम करते हैं यार, उनके लिए हैट्स ऑफ है यार। और वैसे भी काफ़ी ज़बरदस्त है, कभी भी आपको वाइजे गाने का मौका मिले ये चीज़ ना छोड़ें। ये मेरा दूसरा बार है विशाखापट्टनम, लेकिन मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ, आप लोग छोड़िएगा नहीं। अभी आपको हमने एक ओरिजिनल सबमरीन दिखलाया और अब बारी है उसी के जस्ट अपोजिट एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाने का। हिंदी अंदर जो भी सामान है ना, फ्लाइट का सामान, सबका जानकारी आपको मिलेगी। वैसे आपको ऑडियो गाइडेंस चाहिए तो ले सकते हैं, तो प्लीज सर्विस चाहिए तो लाइन में खड़ी रहिए, नहीं चाहिए तो हमें। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. प्लेन के अंदर जा रहे हैं यार, मजा आने वाली, मजा। Shoulders on ice for y'all. 86 all the hay. I woke in a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was. तो अभी आपने देखा मैं उसी प्लेन के नीचे खड़ा हूँ यार, लिटरली क्या मजा आ रहा है। और अभी जैसा कि अभी आपने देखा थोड़ा प्लेन का अंदर का भी दिखाया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी अच्छा लगा होगा। तो भाई आज के वीडियो में तो यार गजब गजब के कंटेंट आया है यार, आज के वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर लो और समझ सकते हो नेक्स्ट कंटेंट कैसा कैसा लाने वाला है आपका भाई। और ये प्लेन जो है इसका नाम है TU-142M।